الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام احباب مل کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام برو صلات و سلام علیک یا رسول اللہ. صلات و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا نبی اللہ. الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا نبی اللہ. مل کے پڑھو السلام. बड़ा चाहे ज़ियारती दा बड़ी गसरत है वेखने दी. मिलके कह लो बड़ा चाहे ज़ियारती दा बड़ी गसरती है वेखने दी कि दे वेखने पहले मरी न जावा. बड़ी मेहरबानी मिलके कह लो बड़ा चाहे ज़ियारती दा बड़ी हसीरत है वेखने दी. बड़ा चाहे ज़ियारती दा बड़ी हसीरती है वेखने दी जे आ जावो ते मैं खुशियां मनावा या रसूल अल्लाह.
जे आ जावो ते मैं खुशियां मनावा। रसूल अल्लाह मिलके कह लो जे आ जावो ते मैं खुशियां मनावा। मेरे दुखी बांटने वाला नहीं कोई जमाने में, मेरे दुखी बांटने वाला माने में तुम्हें हो आखिरी मेरा सहारा। लल्ला तुम्हें हो आखिरी मेरा सहारा। ए बाबे खादम ने भी दसिया है जे आ जावो ते मैं खुशियां मनावा। या रसूल अल्लाह जे आ जावो खुशियां मनावा। या सैयदी या रसूल जे आ जावो ते मैं खुशियां मनावा। रसूल बड़ा चाहे जियारती दाओ बड़ी हसीरत है वेखने दी कि देवे पहले मरी न जावा। या रसूल अल्लाह जुमला वेखो के दे वेख तो पहले मरी मरी ना जावा मरी ना। रसूल या रहमत लिल आलमीन या शफीअल मुज़निबीन के देवे तो पहले मरी न जावा। अल्लाह जल्ला जलालुहू व अम्मा नवालुहू व आज़म शानुहू व अतम बुरहानुहू की हम्दो सना हजूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदा जीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहां गम गुसार जमां सैयदी सरवरा हामिये बेकसां काईदुल मुरसलीन खातमुन नबीजीन अहमद मुजतबा जनाब हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में
हदिया दरुदो सलाम और हदिया कीदत के फूल निछावर करने के बाद नहायत ही वजबुल एहतराम काबिल सद एहतराम अजीज बुजुर्गों दोस्तों मुसलमान भाइयों मेरे मसलक के गुयूर सुन्नी जवानों दूरों नज़दीक से तशरीफ़ लेकर आने वालों और सबसे पहले मस्जिद में आकर मस्जिद की रौनक को दुबाला करने वालों हजूर के आशिकों हजूर के परवानों हजूर के मस्तानों हजूर की मोहब्बत का दम भरने वालों हजूर के आशिकों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ कि जो अहबाब सबसे पहले तशरीफ़ लाते हैं तो माशाल्लाह आप भी आते हैं अपने दोस्तों को भी साथ लाया करो उनको सुनाओ कि नबी के ग़ुलामों की शान क्या है नबी के तो फिर मुकाम ही और है। तो लोगों को साथ लाया करो बताया करो कि नेक काम में बढ़ चढ़ के आगे चला करो क्योंकि जो आपके साथ आएगा जितना आपको सवाब उतना उसको मिलेगा जितना आपको मिलेगा दोनों को सवाब बराबर होगा। दावत दिया करो सबको बुलाया करो। तो अज़ीज़ाने गिरामी आज का मौज़ू जश्न गौसुल वरा आज का मौज़ू करामात गौसे आज़म सुभान अल्लाह बोल छोड़ो। तो बड़े इन्हिमाक के साथ गौर व फिक्र के साथ शबाज़े ला मकानी कंदीले नूरानी महबूबे सुबहानी हसनी हुसैनी मुहैयुद्दीन आना अब्दुल कादर जिलानी हसनी वल हुसैन। तो बड़े निहमाक के साथ गौर व फिक्र के साथ जो आप अहबाब के सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद से चंद अल्फाज तिलावत किए हैं उसमें रब लम यज़ली रिशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलु सालिहात बेशक वो लोग जो ईमान लाए जिन्होंने अच्छे अमल किए जो ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे अमल किए रब फरमाता है सयाजअलुल्लाहुमुर्रहमानु वुद्दा तो फिर मैं ऐसे बंदों की मोहब्बत को लोगों को सीनों में नक्श कर देता हूँ फिर ऐसे लोगों की मोहब्बत को ईमान वालों के सीनों में रख देता हूँ वो जहाँ कहीं भी हो गुलाम उनके नारे लगाते रहते हैं गुलाम उनके नारे लगाते हैं। तो जो लोग कहते हैं तुम गौसे आजम का नाम क्यों लेते हो तुम उनकी बजम क्यों सजाते हो गौस पाक की ग्यारहवीं शरीफ का ख़त्म क्यों दलवाते हो उनको कह दो कि हम सिर्फ हम नहीं मोहब्बत करते ज़मीन में जो मखलूक है वो गौस के साथ प्यार करती है सिर्फ ज़मीन वाले नहीं आसमान वाले भी गौस आज़म के साथ प्यार करते हैं। फरमाया ये वो अब्दुल कादर जिलानी है जो शेख कुल है जो शेख कुल है। फरमाया कि जितने भी पीर हैं जितने भी वली हैं उन सब का सरदार मेरा अब्दुल कादर जिलानी है उन सब का सरदार मेरा अब्दुल कादर जिलानी है ये गौस पाक की अजमत है। फरमाया उतनी देर तक वो वली नहीं बन सकता जिस वली की गर्दन पे मेरे गौस का कदम नहीं होता। ये वो गौस आजम है हसनी हुसैनी सैयद है। तो फरमाया इनकी मोहब्बत को अल्लाह ने ईमान वालों के सीनों में नक्श कर दिया है लोग जितने भी होंगे वो कहेंगे तुम क्यों करते हो आशी कहेंगे मिटते हैं मिट जाएंगे सब अदा तेरे मिटते हैं मिट जाएंगे सब अदा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मिटते हैं मिट जाएंगे सब अदा तेरे ना मिटा है ना मिटेगा गौस कभी चर्चा तेरा। वलियां दी शान खत्म नहीं होवेगी जानवर बड़े पैदा होंदे ने तुम गौस दी बजम क्यों सजांदे हो। फरमाया अस इस वास्ते सजाने इन्हां नाल अल्लाह प्यार करता है इन्हां नाल
अल्लाह प्यार करता है ते रब दा रसूल भी प्यार करता है ते जिंदे नाल रब ते रब दा रसूल प्यार करे फिर कायनात उंदे नाल प्यार कर दीए फिर कायनात उंदे नाल प्यार कर दीए ते गौसे आजम ओ ने जिन्ना नाल रब भी प्यार करता है ते रब दा रसूल भी प्यार करता है रब भी प्यार करता है ते रब दा रसूल भी प्यार करता है ते गुलाम जिथे भी होंगे गौस पाक दे नारे लाणगे गौस पाक दे आओ अजीदान गिरामी तवज्जो फरमाउंदे जाणो जिस टाइम जिहड़ा अल्लाह किसे नूं वली बनाउण दा इरादा करदा है जिहड़ा वली बनन लगदा है रब फरमाउंदा है फरिश्तियो इस वली नूं उठाओ इस बंदे नूं मेरे नबी दी बारगाह च लैके जाओ जिस टाइम उस बंदे नूं हजूर दी बारगाह च लैके जाया जांदा है हजूर फरमाउंदे ने इस बंदे नूं मेरे अब्दुल कादर दी बारगाह च लै जाओ मेरे गौस पाक दी बज़म च लै जावो रब दे हुक्म नाल जिस टाइम बंदा अल्लाह मुस्तफा दी बारगाह च आउंदा है फिर हजूर फरमाउंदे ने इनू गौब दरबारे गौसियत च पेश कीता जाए मेरा अब्दुल कादर जिलानी वेखे इंदी अंदर काबिलियत भी है वे इंदी अंदर असलियत भी है ये वली बन सकता है या नहीं बन सकता मेरे गौस दी बारगाह च पेश कीता जांदा है ओए गौस दे दे नारे लाना लियो जेड़ा बली अब्दुल कादर नू ना मन्ने ते वलायत दा दावा करे ओनू कन्नो पकड़ ली ओन आखे तू वली नहीं हो सकदा ओ दुनिया दा कमीना ते हो सकना वली ओ हुंदा है जेनू दरबारे गौसियत च कोई टुकड़ा मिल जांदा है वली हुंदा ही होवे जिनू दरबारे गौसियत टुकड़ा मिल जांदा है जिस टाइम गौस दी बारगाह बंदे नू पेश कीता जांदा है अब्दुल कादर जिलानी वेंदे ने इस बंदा इंदे अंदर काबिलियत है वलायती निगाह नाल मेरा गौस वेंदा है जिस टाइम वेंदे ने ये बंदा ठीक है ये वलायत दे काबिल है ते गौस पाक दी उत्ते मोर लग जांदी है आवाज आउंदी है जाओ हुण दरबारे गौसियत च दे मोर लग गई है हुण मुस्तफा ने इन वक्त दा वली बना छड़िया ते वली ते जिस टाइम जिन गौस पाक कबूल फरमाना है ते जिहड़ा गौस पाक नू ना ना मन्ने समझ लेना वली नहीं जे ए ते तां ही असीं आने अजब शान तेरी या गौसे जली है अजब शान तेरी से मेरे नाल मेर के पढ़ दे कुछ नहीं हुंदा मुहब्बत नाल पढ़ो गौस पाक दा नाम है पर मैं मुरीद मेरा होवे मुरीद ते मैं बड़े वसूक नाल कहना गौस पाक ने फरमाया मुरीद होवे मेरा मुरीद होवे मेरा ते मैं बगदाद अच्छा तू सांगले बैठे एथो पुकार के वेख जे गौस मदद ना करे ते मैं हजूर दा गुलाम ना समझे ते मिल के कह ले अजब शान तेरी या गौस जली है अजब शान तेरी या गौस जली है आता है चोर और बनता वली है आता है कर चोरी बनता वली है आता है घर चोरी बनता
तुसी पढ़ लो ग्यारहवीं शरीफ दलवान वाले कुछ नहीं होता अजब शान तेरी या गौसे जली है अजब शान तेरी या गौसे चली गए आता है घर चोरी बनता वली है आता है घर चोरी बनता वली है। आओ अज़ीज़ा निगरामी चलिए बसरा दा शहर है सुभान अल्लाह बसरा दा शहर है ते उथे एक बंदा सी जिहड़ा गौस दी ग्यारहवीं दलवांदा सी सुभान अल्लाह बोलो जरा गौस पाक दी हर महीने ग्यारहवीं दा खत्म दिलवांदा सी ग्यारहवीं दा खत्म दिलवांदा सी ते उथों दा एक बादशाह सी उंदी रियासत च उंदी हुकूमत च एक बंदा कतल हो गया एक बंदा कतल हो गया ते बादशाह हुक्म दिता जिस कतल कीता है उनु पकड़ के तख्ता दार ते लटकाया जाए लिहाजा उन फांसी दीती जाए उन्हें फांसी दीती जाए ये बादशाह ने आर्डर जारी कीता कि उस बंदे नु फांसी दीती जाए जिस टाइम उस बंदे नु पकड़ के लियांदा जिस कतल कीता सी तख्ता दार ते लैके गए गले विच रस्सा पान लगे ते रस्सा फिट नहीं आया सुभान अल्लाह बैजो रस्सा फिट नहीं आया क्योंकि अज का मौजू करामाते गौसे आजम ते रस्सा फिट नहीं आया जिस टाइम फिट नहीं आया तो उन्हें बादशाह नु आख्या जी रस्सा फिट नहीं आया लिहाजा तख्ता दार ते लटकाया तौन भरी के ज्यादा इन फिट नहीं आया आपने फरमाया जिन्हों फिट आंदा उन्हों ले आवो सुभान अल्लाह जिन्हों फिट आंदा उन्हों ले आवो ते उन मलंग जड़े गौस पा दे जड़े आंदे बादशाह दे अवारी सन वह बाहर निकले ते अगे गली विच एक मलंग नजर आया एक बंदा नजर आया जड़ा ग्यारहवीं शरीफ दा लंगर पिया लोगों को लैंदा है लंगर जमा कर लिया के गौस पाक दी ग्यारहवीं दलवाणी ते सारे अपना अपना हिस्सा पाओ सारे अपना अपना हिस्सा पाओ तवज्जो फरमाउंदे जाणो जिस टाइम बादशाह दी अवारी गए ने वेख्या बड़ा ग्यारहवीं शरीफ दिया खीरा खाण वाला मोट हूँ जरा मोटी ताजी गए ने उन्हों करीब बुलाया बोल के आंदा शायद इन्हें ग्यारहवीं शरीफ च हिस्सा डालना हो आप उन्दे कोल गए ने जिस टाइम वेख्या उन्होंने ने करीब आ गर्दन अगे कर उस गर्दन अगे की पटा पाया आंदे ने तेनों पूरा आ गया फिट आ गया उस आख्या कि लैके जाना है उस आख्या तेनों तख्ता दार ते लैके जाना है उस आख्या मेरा कसूर की है मैं जुर्म केड़ा कीता है मैं गलती दसो तख्ता दार ते क्यों लटकाना है वो आंदा है बादशाह दा हुक्म है अगे गल ना करी उस आख्या कोई गलती ते दस जिस जुर्म की सजा देन लगियो उस आख्या तेनू रस्सा फिट आ गया है ते बादशाह आख्या जिनू रस्सा फिट आ जाए उन्हों ले आवो उस आख्या चल मैं तेरे नाल चलना वा वो भी गौस दा मलंग सी ओ भी गौसे आजम दा मनन आला सी हर महीने ग्यारहवीं शरीफ दलवांदा सी आज ग्यारहवीं दलवान आले ओ लोग नहीं मन दे ते ना मनन जेड़े मनन आले ने पाक कट के आख्या करो हर साल लोगा दे साल बहादुर सौंदे ने अब्दुल कादर होवे जिंदा हर महीने उर्स मनाया जांदा है हर महीने उर्स मनाया जाता है ते फरमाया नू लै चलो आपने फरमाया लै के चले जिस टाइम तख्तादार ते लै गए ए दे तख्तादार ते लै गए नी जिस टाइम रस्सा पाया गर्दन दे विच फिट आ गया है ए दे तख्तादार ते लटकान लगा है अगे बादशाह कुर्सी ते बैठ गया है आंदा रुक जाओ जल्लाद नू हुक्म दिता के रुक जाओ इंदी कोई आखरी आरजू होवे इंदी कोई गल सुननी होवे ते सुना ले कोई अपनी आखरी खैश होवी वो बोल के आंदा है हाँ मेरी आखरी खैश है जरा फट्टे तो पीछे कर जरा मेरी गर्दन नीचो जरा रस्सा ते कढ़ मैं गल करनी है
जिस टाइम रस्सा कढ़िया बादशाह दे महल ते चढ़ गया, आंदा मैं किलान करना है। जिस टाइम बादशाह दे महल ते चढ़ गया ऐलान करदा है, ओ पसरे वालियो अज मैं तुहानू दसना चाहना वा गौस दी 11वीं ना दलवाया जे, जेड़ा गौस दी 11वीं दलवाए उंदा अंजाम मैं हुंदा है। उंदा अंजाम है जेड़ा गौस दी आज तो बाद 11वीं ना दलवाया जे, ते मेरा कसूर की मैनु तख्तादार ते लटकाया जा रहा है। उसने कहा ठीक है मैं गल कर ली, हुण तख्तादार ते लै चल। जिस टाइम तख्तादार ते लै के रस्सा डालिया सुभान अल्लाह, इतने हूँ तुसा बोलना जरा सुभान अल्लाह, तख्तादार ते लटकाया है, उसनू लटाया लटका दिता है, रस्सा पाया ते जिस टाइम थलियो फटा खिंचन लगे ने, फटा खिंचन लगे ते रस्सा टुट जाता है। सुभान अल्लाह, रस्सा टुट गया, रस्सा टुट गया, बादशाह दा दूसरा रस्सा पाओ, दूसरा भी टुट गया, उस आखिया तीसरा पाओ, तीसरा भी टुट गया है, हत्ता के 11 रस्से पाए, 11 दे 11 टुट गए ने। ओ गौस पाक दा मलंग बोलिया, बोल के आंदा ओ बादशाह ए 11 रस्से की ने, तू 11,000 भी पा ले, ओ 11वीं वाला पीर आ गया ही। सारे बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। उसने कहा जिस पीर नु पुकारिया है तू 11,000 भी पा ले, ओ 11वीं वाला पीर अब्दुल कादर आ गया। उसने कहा ठीक है मैं तेरा पीर वेखना चाहना वा, मैं तेरा पीर वेखना चाहना। उसने कहा ठीक है गल ले वे कि आ मेरी जगह ते तू आ कुर्सी ते मैं बवा, जेड़ा लिबास मैं पाया ए तू पा। सुभान अल्लाह, जेड़ा पाया मैं ओ पा तू, ते मैं उंगली दा इशारा करांदा इत्थे गौस नजर नहीं आना, उत्थे गौस नजर आएगा। छो जबान ला इथे गौस नजर नहीं आना, उथे आएगा। उसने कहा ठीक है, गौस पाक दे मुरीद ने अपना लिबास उतारिया, ओनू डालिया, ओ डार लिबास पा के गौस पाक दा मुरीद लिबास पहन के तख्तादार ते गया। एदे जिहड़े वजीर ने कहंदे ने जिले सुबहानी ए की पिया करना, तू मर जाएगा तख्तादार ते लटक जाएगा, तेरा मन का टुट जाएगा, गर्दन टुट जाएगी। उस आखिया अज मैं वेखना है वो पीर केड़ा है जिहड़ा रस्से त्रोड़ छड़दा है, आज ते मैं वेखा वो पीर केड़ा है। जिस टाइम लिबास पाया ते ओ मुरीद जड़ा कुर्सी ते बैठा ए दे उंगली दा इशारा कीता है, ओ रस्सा फटा खिंचन लगे ने, रस्सा टुट जांदा है, ते गौस पाक सामने तशरीफ लाया है, फरमाओ बादशाह तू मेरे लब मुरीद दा लिबास पाया ही, जेड़े साडे मुरीदा दे लिबास पा लैन, गौस ओन भी नहीं डुबन देता। मेरा गौस से उन्होंने नहीं डुबन देता। पता चलिया जेड़े 11वीं शरीफ दलवान फिर अल्लाह उन्होंने मुकाम की देता है। वक्त दे बादशाह भी मन जेड़े ना मनना नहीं मनना, साडा इख्तलाफ नहीं। कई जेड़े ज्यादा पढ़े होंगे उन्होंने की पता हो वे। वो मैं अक्सर आना दुनिया च रह के एक मोबाइल है, पूरी दुनिया ने एक अंग्रेज ने सारी हर चीज फिट कर दी है, इत्थे बैठा तू सारा इलम दस सकना है। ते क्या अल्लाह दे बलियां जिन्नू रब ने ताकत दी होवे उन्दा ना अंदाजा ला सकदा कि जिन्हू रब शान देवे, जिन्हू रब शान देवे फिर उस गौस दा की मुकाम होवेगा।
मेरे गौसो ने ताइयो बोल के आंदे ले यारवी वाले दाना ते डुबी होई दिले यारवी वाले दाना ते डुबी होई मिल के कह लो क्योंकि वली दा जिक्र है सुभान अल्लाह गुनामा दा कफारा मिल के कह लो ले यारवी वाले दाना ते डुबी होई डूबी होई ऐ दिल यारवी वाले दा ना ते डूबी होई दी पड़ मुर्शद पाक दी बां ते जनता दे घर जाएंगी पड़ मुर्शद पाक दी बां ते जनता दे गी जनता दे की ले यारवी वाले दाना ते डुबी होई तारी जाएगी ले यारवी वाले दाना ते डुबी होई तारी जाएगी पड़ मुर्शद पाक दी बां ते जनता दे ते जनता दे घर जाएंगी ले ओ यारवी वाले दाना ते डुबी होई आ मेरे गौसो ने जिन्ना दे नानके भी मुर्दा जिंदा कर दे रहने जिन्ना दे दादके भी मुर्दा जिंदा कर दे रहने इजड़ा हुण मैं वाकया पेश करन लगा वां इनू अलामा फैज अहमद अवैसी ने हदायके बख्शिश की शरह अंदर लिखी है। आओ कौन अब्दुल कादर जिलानी लाहौर दा शहर है सुबहान अल्लाह अरजीत सिंह की हकूमत है उन्दी हकूमत है उन्दी हकूमत दे दौरान उन्दी तंग गली विच दो घर सन एक मुसलमान दा सी ते एक हिंदू दा सी एक मुसलमान दा सी ते एक हिंदू दा सी ते जिहड़ा हिंदू सी वह असूलां वाला सी ते मुसलमान बद असूल सी मुसलमान बद असूल सी ते उस हिंदू की औरत खूबसूरत सी कि मुसलमान की निगाह उस औरत ते पै गई उनका आशिक हो गया ते जिहड़ा हिंदू है वह डरदा सी मुसलमान पावर चे पैसे आला इंदे कोल जिहड़ा ताकत भी है पैसा भी है ते लिहाजा बड़े तंग हो गए ते उसने क्या शाम हुई ते उसने हिंदू कहन लगा कि बीवी नूं कहंदा है तो टुर चलीए ये जिहड़ा मुसलमान है साढ़े तो डड है कहीं साड़ी इज्जत ते हरफ ना आ जाए उसने क्या ठीक है चलो इस तरह एक उंदा सामने घर सी उदो निकलता सी उंदा दरवाजा नजर आउंदा सी ओ निकलता सी उंदा दरवाजा नजर आउंदा सी ते जिस टाइम वो हिंदू अपनी बीवी नूं लैके निकलिया ना उस मुसलमान तो तंग होके कि लिहाजा मेरी इज्जत ते हरफ ना आ जाए कि मैं बीवी नूं नाल लैंदा चल गिड़ड़ी बन असीं इत्थों चलीए किसी होर जगह ते मकान बना लैने आ ओ निकलिया ते इदो निकलिया ते चलदियां चलदियां अगे जंगल आ गया उस आख्या चल तेन मैं पेकिया ते छड़े आना वा मैं कमाई करांगा कोई पैसे कमावांगा फिर अपना घर बना लवा दे अपना घर बना लवांगे ते जिस टाइम मुसलमान आया उस पुछया साडे गुआढ़ी कित्थे चले गए उस बहाने लाउण बोलदे जाओ साडे गुआढ़ी कित्थे चले गए ने उसने कहा कि वह ते इत्थों चले गए ने उस घोड़ा फड़िया तलवार पकड़ी दौड़दा होया जंगल चला गया अगे होके उन्हां दा रास्ता रोक लईदा है रास्ता रोक लिया तो हैरान हो गया जिंदे डर तो असी निकलिया वह अगे ही आ गया जिंदे डर तो असी निकलिया वह अगे ही आ गया इन्नी गल हुई तो उसने कहा ओ हिंदू यार क्यों इत्थों जा रहे हो सकिया तेरे तो तंग होए असी जा रहे हैं तू अगे ही आ गया उसने कहा इनू टुरा ना इनू मेरे पिछे बिठा दे ते लिहाजा इनू मैं लैके चलना वा उसने कहा किवें हो सकता है तू साडा दुश्मन होवे ते तेरे पिछे ही बिठा दे जरा सुभान अल्लाह कहो अगे चलना जरा उसने कहा किवें हो सकता है ते उसने बड़ा इसरार किया ते उस आंदा लिहाजा मैं तेरी गर्दन उड़ा देवांगा इनू मेरे पिछे बिठा इनू मेरे
पिछे बिठा। तो हिंदू बोल के आंदा है, हां एक शर्त ते तेरे पिछे बिठाना वा, सानू कोई जामन दे, सानू कोई जामन दे। उस आख्या जंगल च मैं हां, तुसी हो इत्थे, शेर ने दरिंदे ने, इससे किस चीज की मैं जमानत देवा। उस आख्या तू अपने मसलक की जमानत दे, तू मुसलमान है अपने किसी वडेरे की जमानत दे, क्योंकि अपने मसलक च रह के उंदी जमानत दे दे। उस आख्या फिर किंदी जमानत देवा, हिंदू बोल के आंदा ग्यारहवीं आले पीर की जमानत दे दे। हुण सुभान अल्लाह दा नाखना पौना है। उस आख्या तू जिहड़ा ग्यारहवीं आला पीर है ना, उंदी जमानत दे दे। उसने कहा उते 200 साल हो गए ने, फौत हो गया है, ते तू किंदी जमानत पिया मनना है। उसने कहा जमानत तू दे दे। उसने कहा मुसलमान बोलिया, कहंदा हां ग्यारहवीं वाला जामन, मेरा जामन ग्यारहवीं वाला, मैं जमानत देना वा। जिस टाइम औरत नू पीछे बिठाओ, इत्थे तलवार उठाई ते हिंदू दी गर्दन उड़ा दिती, इत्थे बीवी नू पीछे बिठा के हुण लैके निकलदा है। इत्थे बीवी पिछो वेंदी है, जिंदे सामने शौर जुदा हो जाए। बीवी नू आंदा रोवी ना, हुण आपां असीं अगे जाने आ कलमा पढ़ के, तेनू मैं अपनी बीवी बना लैणा। जिस टाइम चलदियां चलदियां अगे जांदा है, औरत मुड़ मुड़ के पिछो वेंदी है, मुड़ मुड़ के पिछो वेंदी है। ओ जेड़ा मुसलमान बोल के आंदा, पिछो क्यों वेनी है, हुण ते ओ मर गया ही, हुण ओ की करनी। ओ आंदी है बदबख्ता, मैं मर्द दी लाश नूं तड़पदियां नहीं वेंदी पई, मैं ते ओनू पई वेनी हां। ओ जिंदी जमानत दित्ती है, हले जामन क्यों नहीं आया। उसने कहा मैं तो उन्हें भी उड़ीकनी हाँ, जेड़ा जामन है, जेड़ा जेड़ा जामन मैं थी उन्हों पी उड़ीक नहीं हूँ। ये ते जिस टाइम इस यकदम मुस्कराने लग पई है, हाँ बरी ते मुसलमान आंदा, नहीं की हो गयो, क्यों मुस्कर मुस्करानी है, क्यों हंसदी पई है, क्यों हाँ भरी आ। वो आंदी है छलिया तेनू की पता हो वे, आ धूड़ पी उड़दी आ, सबज जोड़ाई चिट्टा लबासी, ओ दो घोड़े पै आउंदे नी, ओ मेरा जामन आ गया ही। आओ मेरा जामन है, आओ मेरा जामन आ गया ही। उसने क्या किवी हो सकता है, उसने क्या ठहर जाओ, तू उड़दी उड़दी आउंदी, तो घोड़े ने सोना लबास नकाब आया है, नकाब भी कीता होया है। जिस टाइम आए थे उस बच्ची दे सिर ते हाथ रखिया, फरमाया तेनू की हो गया है। वो आंदी है आना अंतु मां तुसी कौन हो, फरमाया फिर आनी है कौन है, नाले जामन नु उड़ीक नहीं है, नाले पुछनी ये तुसी कौन हो। फरमाया नाले जामन नू डीकनी, नाले पुछनी है कौन हो। ए देगा उस फरमाया मेरा नाम अब्दुल कादर है, जिनू जामन दिता ही हुण जामन आ गया है, हुण जामन है, हुण जामन आ गया। जिस टाइम आखिया इत्थे तलवार चली ते मुसलमान दी गर्दन उड़ा दिती, फिर बच्ची दे सिर ते हाथ रखिया, फिर मैं पुत्रा मैनू जामन दिता ही, तू जामन दिता है, लै हुण मैं कर दिता है, हुण सानू इजाजत है। बच्ची बोल के आंदी है, हुण जमानत नहीं दे, हुण जान नहीं देना, इस तरह करो जरा मेरे भावन दी लाश आओ सामने पई हुई है, मैनू उत्ते छड़ के फिर चले जाया जे। और नाल ना ला रही है, जिस टाइम खामन दी लाश आई अगे कोड़े दे खड़ी हो जांदी है, कहंदी अब्दुल कादर आ मेरा शौरी। फिर मैं बेटी हुण सी जान लगे आ, बेटी कदमां नू पकड़ के आंदी है, अब्दुल कादर ओए 12 साल दे डुबा बेड़ा तारण लिया,
डुबे बेड़े तारण आलिया मेरा ते एकिया इन भी जरा तार दे ओदे माई कहंदी है तबो औरत आंदी है की आखना चा लाउस पाक ने फरमाया की आनी है अर्ज कर दिए एक जुमला बोल दिए कहंदी है गौस पी यारवी वालिया या मेरी भी गर्दन ला के इंदे नाल लटा दे या इनू जिंदा करके मेरे नाल टोर दे या इस तरह कर या मेरी भी गर्दन ला के दे नाल लटा दे ते या इनू जिंदा करके मेरे नाल टोर मेरे क्योंकि पीरों का पीर है मिलके कह लो पीरों का पीर है रोशन सारे पढ़ो कुछ नहीं होता पीरों का पीर है रोशन जमीर गए पीरों का पीर गए रोशन जमीर गए बगदाद वाला तू लो देखो सबका दस्तगीर गए पीरों सारे पढ़ो मेरे ते सान ना करो गौस पाक दा नाम दे अपनी बख्शिश दा जरिया बना लो पीरों का पी रहे रोशन जमीर गए पीरों का पीर गए रोशन जमीर गए बगदाद वाला तू ला देखो सबका दस्तगीर इन्नी गल हुई औरत बोल के आंदी है ग्यारहवीं वाले पीरो या मेनू भी लटा दे या इनू मेरे नाल टोर दे ए देगा उस पाक ने फरमाया ओए उठ क्यों नहीं उठदा फरमाया कोमबेजनी उठ क्यों नहीं उठदा ए देगा उसने हुक्म फरमाया ते ओ मुर्दा खड़ा हो जाता है ओ मुर्दा खड़ा हो जाता ते बीवी नू आंदा है नी इन्नी देर कर दिती आ हले भी हिंदू दी हिंदू रह गई है एदे कदम चुम एदे ओ कलमा पढ़दा है बोल के आंदा है तेनू की पता होवे जन्नत च गौस दे नारे पै बजदे ने या गौसिया जिंदाबाद सारे बोलो जिंदाबाद 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 ते उठ के आंदा कलमा पढ़ लै जन्नत च अब्दुल कादर दे नारे पै बजदे ने वो दोवे मुसलमान हो गए दोवे मुसल आओ अगे चलने आए थे बगदाद दा मदरसा है ये देगा उस पाक दा मदरसा एक नौजवान आया आंदा अब्दुल कादर सलाम होए आपने फरमाया बेटा क्यों आए हो अर्ज करते नहीं हजूर मेरे बाबा दा भी साल होया है मैं रात नु ख्वाब च वेखिया है मेरे बाबा दी हालत ठीक नहीं मैं कबर ते गया वा मेरे बाबे ने आखिया है ओए पुत्रा सुबह पीरां दे पीर कुल जाई अब्दुल कादर कुल जाई जाके दुआ करवाई अगर पीरां दे पीर ने दुआ कीती ते मेरी कबर ठंडी हो जाएगी ओ बोल के आ लै ए गौस अब्दुल कादर जिलानी मेरे
मेरे पाप का भी साल होया, रात नो ख्वाब च वेखिया है अच्छी हालत च नजर नहीं आए। मेरे गौस पाक ने फरमाया ओ ए दस क्या तेरा बाबा इस महल्ले विच वसदा सी। अर्ज करदा जी हजूर, फरमाया क्या ए साडी गली विचो गुजरिया है। बोल के आले हजूर कारी इथे वे गुजरिया जरूर होएगा। फिर गौस पाक ने फरमाया ओए बेलिया ए दस तेरा बाबा कदी गौस दे मदरसे आया, कदी गौस दे मदरसे आया। बोल के आंदा हजूर पता नहीं आया होएगा। अब्दुल कादर जिलानी ने फरमाया ओए बच्चिया टुर जा फिर कल आवी, जा टुर जा फिर कल आई। ये रात हुई पीरां दे पीर ने मुसल्ला डाया, अल्लाह दी बारगाह चरज की थी या अल्लाह मैं अब्दुल कादर जिलानी हाँ, मेरे महल्ले दा बंदा होए, मेरी गली दा बंदा होए, मेरे मदरसे दे नाल रहण वाला होए। अगर वो चाहे कबर दा अजाब होवे फिर अब्दुल कादर दी की शान, फिर अब्दुल कादर नूं लोग की आखणगे। ए रात होई ए ख्वाब च बेटा सुता है वेंदा है जन्नत दा नजारा है, ओंदा बाबा टहलदा पिया है, हूरां दियां कतारां ने जन्नत दे नजारे। ओ बेटा पुछदा है अबू जी की वजह है, कल ते कबर दा अजाब पिया हुंदा सी, अज हूरां कतारां विच खड़ियां ने, अज जन्नत दियां बहारां ने। ए दियो बाबा बोल आंदा है ओए जा टुर जा पीरां दे पीर नूं जाके सलाम कह दे, तू कल आ के आ गया सैं पीरां दे पीर ने दुआ मंगी है, अल्लाह ने बेड़े पार ला छड़े। गौस पाक ने फरमाया जेड़े साड़ी गली चो लंघ जाए, फरमाया जेड़ा गौस दी गली चो लंघ जाए या गौस पाक दे मदरसे आ जाए, आना उनका काम है, बख्शवाना गौस का काम है। गौस पाक का काम क्योंकि टाइम थोड़ा है, बसरा दी एक औरत सी उनका बच्चा बीमार सी, उन्होंने बड़िया कीमा तबीबा को किसी को शफा नहीं मिली, उन्होंने किसी तो आख्या जा बगदाद टुर जा बगदाद टुर जा, उत्थे एक सईदां दा डेरा ही जे उत्थे टुर गयो उन्हें दुआ की ना अल्लाह तेरे पुत्र नूं शिफा दे देवेगा, अल्लाह तेरे पुत्र नूं शिफा दे देवेगा। उसने कहा ठीक है, तुहानूं पता होवे पुत्र बीमार हो जाना तो मावां हर चीज़ कुरबान कर देंदियां ने, मावा सब कुछ लुटा देंदियां ने। इन्नी बात हुई, उन किसी ने दस्या चलदी चलदी बगदाद टुर गई, किसे दस्या लांदी सैड ते सैयदां दा डेरा आई हाय सैयदां दा। एदे बच्चे नूं चुकिया चलदियां चलदियां सैयदां दे डेरे ते, ओ डेरा किल्ला है अब्दुल्ला सौमी दा है, ओ डेरा किला अब्दुल्ला सौमी दा। जिस टाइम चलदियां चलदियां औरत गई उस डेरे ते कदम रखिया, उंदा बच्चे दी रूह चो जिसम चो रूह परवाज कर गई, बच्चा फौत हो गया है। एदे दरवाजा खटखटाया बच्चे नू रखिया है, एदे कहंदी है सैयदा तेरे डेरे ते आई आ बच्चे वास्ते दरवाज करवाण आई आ। जिस टाइम वो बुजुर्ग बाहर निकले ने उत्ते कपड़ा पाया है ते आपने फरमाया माई जा टुर जा इन अल्लाह मां साबरी, हुण सबर कर तेरा बच्चा चला गया ही ए ते फौत हो गया ही। जिस टाइम उस नाम सुनिया अखाई चुआ सुजारी हो गए, ठाई मार के रोंदी कहंदी ए बाबा ए मेरिया अखां दा तारा सी, ए मेरे दिल दा सहारा सी, ओ ए मेरा चैन सी, ए मेरा करार सी, मैं ते दुआ करवाना मेरा मरिया तेरे बुए दे वे मैं जिंदा लेके जाना है।
मेरा मरिया तेरे बुए ते मैं ते जिंदा लैके जाना मैं ते जिंदा लैके जाना ते बाबे ने फरमाया नी माई सबर कर ए किवें हो सकदा है जिस्म चो रूह निकल जाए फिर वापस किवें आए वो आंदी है मैनू नहीं पता मैं ते जिंदा लैके जाना बाबे अरी अंदर दाखल हो गया माई टकरा मार दी है बोल के आंदी है ओए बाबा वली बिन बनिया फिरना है मेरा पुत्र टुर गया है जरा मेरे पुत्र वास्ते दुआ करवे मैं दुआ करवाना ही हाँ माई पुत्र नू अगे रखिया है बाबे अरी निकल देने माई रोली लोग पुछ देने नी माई क्यों रोली उस आख्या जिंदा पुत्र टुर जाए उस मां को पुछ फिर रोंदी क्यों है फिर गलियां विच भी मावां रोंदियां ने कबरां नू वेख के भी रोंदियां ने दरवाजे खाली होण पुत्र नजर ना आयो मावां रोंदियां ने पुत्र तकलीफ होवे मां रोटी नहीं खाली पुत्र नू दुख होवे मां सौंदी नहीं पुत्र बीमार होवे मां सौंदी नहीं बोल के आंदी है पीरा मेरा पुत्र जिंदा कर दे मैं ते जिंदा लैके जाना ही एदे जिस टाइम रोंदी पई है एक छे साल दा बच्चा है माई दे कोल आया बोल के आंदे नी अम्मा नी क्यों रोनी है नी क्यों रोनी है बोल के आंदी है पुत्रा तेरे जिड्डा मेरा सोना लाल सी मैनू किसे दसिया सी मैं ते बाबे कोलो दुआ करवाना ही आ ए मर गया है बाबा आंदे मर गया है उस बच्चे ने आखिया नी अम्मा रो ना जरा कपड़ा ये डा के वे ए मरिया नहीं है ते जिंदा है जिंदा बाद जिंदा बाद उन्हें जाना न रखा गया इन्हें जाना माना इन्हें जाना इन्हें जाना इन्हें जाना ओ आंदे ने बेकदरां कदम रिना कीती असा कीती खूब तसली गली सारो ओए बाबा खादमी ओए बुक बुक रोना ओए गली सारो ते वे कली कोच नसीर कोच नसीर असार जद कीता चो कोच खात्म असार जद की पहचानी थर थली उजे दोना मैं दिसिया मैं खारानो मैं खाने विच जाम टूट जाने के
ਮਖਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਵੇਗਾ ਕਈ ਲੋਕ ਲੋਕ ਰੋਣਗੇ ਤੇ ਪੁਕੀ ਬੁਕ ਰੋਣਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਲੋਕ ਰੋਣਗੇ ਕਿਉਂ ਬੁਕ ਬੁਕ ਰੋਣਗੇ ਓਏ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਅਜਾਣਾ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਮਿਲੋ ਰੋਵੇ ਲੱਭੇਕ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲੱਭੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਲੱਭੇ तो बात तवील हो जाएगी। बाबे ने आख्या बोल बचाण लै माई तेरा पुत्र मरिया नहीं जिंदा ही जिस टाइम वेखिया कपड़ा हटाया बड़ा गूठा जूसदा पिया खड़ा हो गया माई टकरा मार दी कहंदी ओ पीरा निकल मेरा पुत्र ते मरिया नहीं ए ते जिंदा है बाबे री बार उस बच्चे दे पिछे दौड़ लाई बच्चा आंदा कहंदे ने ठहर जाओ अल्लाह दे राग फाश करना लिया जरा ठहर जाओ जिसे मके गए ने बाबी अरी पीछे ने अब्दुल्ला सोमी पीछे ने ओ बच्चा 6 साल दी उम्र चलदिया चलदिया अगे बगदाद दा कब्रस्तान आया बगदाद दा कब्रस्तान आया ओ बच्चा बोल के आंदा है ओए मुर्दियो बाबा मारदा है मेनू बचा लो मेनू बचा लो जिसे उस बच्चे दे मुंह निकली गल 300 मुर्दा पमा कफन खड़ा हो जांदा है खड़ा हो गया ओ बाबी अरी आंदे ने ओए पुत्रा तू जाने अल्लाह दी तकदीर जाने तू जाने आखरी जुमला है अल्लाह दी तकदीर जाने जड़ा बाबा पीछे लगा है ओ बच्चा अगे कौन है उस बच्चे दा नाम अब्दुल कादर जिलानी है उस बच्चे दा नाम अब्दुल कादर है ओ बोल चल सुभान अल्लाह ते फिर मैं आखांगा पीरों का पीर है पढ़ लो आखिरी शेर खड़िया रोना वेखो मेरे लो वेखो पीरों का पीर है सारे पढ़ लो बदी नू डर कोई नहीं उची बोलो सो पीरों का पीर है पीरों का पीर है रोशन जमीर है पीरों का पीर है रोशन जमीर हथानु लहरा के बोलो पीरों का पीर है पीरों का पीर है पीरों का पीर है पीरों का पीर है रोशन जमीर है सारे पढ़ो पीरों का पीर है रोशन जमीर है बगदाद वाला तूला देखो सबका सबका तस्वीर है सबका तस्वीर है पीरों का पीर है रोशन जमीर अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमा वमा अलैना इल्ला अल बलाग।